और प्रेरणादायक फिल्में बनाई जाए जिसमें मनोरंजन भी हो, और उन्हीं सब उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए सभी मित्रों ने, आदरणीय समित जी ने भी ये कहा कि ठीक है, अब तो पारिवारिक जिम्मेदारियां पूर्ण हो गई है तो आपको अपने मुख्य धारा में आ जाना चाहिए। और अब मुझे भी लगता है कि इतने लंबे अनुभव के बाद जो इंडस्ट्री से, फिल्म से, ज्योतिष के माध्यम से जिन जिन बड़े महान लोगों के संपर्क में रहे, उनके जीवन से जो सीखने का मौका मिला, अब वो निश्चित तौर पर लौटाने का वक्त है। तो तीन मेरे फील्ड रहे, राजनीति रही, ज्योतिष रहा और फिल्म रही। राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा थी वो समाज सेवा के साथ पूर्ण हो गई। ज्योतिष में जो मुकाम ईश्वर ने दिया उसके आगे कोई मुकाम नहीं बचा। एक ही चीज है जो आधी अधूरी रही, उसे पूर्ण करने की इच्छा है। आप लोगों को कोई सवाल हो सकते हैं? धन्यवाद। मैं सभी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने विचार कुछ प्रकट करें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। Second innings, and I wish him all the best, and I know he will be successful. Thank you. Thank you very much. तो रहेंगे, सुख भी आएंगे, हानि लाभ भी होगा,
यश अपयश भी मिलेगा, तो उसको ग्रेसफुली लेने की ताकत इससे मिली। जब समय ठीक नहीं है तो आप शांत रहिए, समय ठीक है तो आप अच्छे काम करिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, तो ये एक फायदा मुझे। अभी भविष्य अभी क्या आपको क्या लगता है कोई ऐसी, क्योंकि ज्यादा आकलन तो इसी माध्यम से करेंगे, भविष्य का लाभ क्या बता रहे हैं? देखिए बहुत बड़ा महान ज्योतिषी है, मैथमेटिकल बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। शनि को एक पूरा साइकिल करने में 30 इयर्स टाइम लगता है और शनि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तब होता है जो बृहस्पति के हाउस में जाए, क्योंकि शनि के अपने फादर से नहीं बनते, क्योंकि वो अपने फादर को लाइक नहीं करता, क्योंकि वो राजा है, हमारे यूनिवर्स के राजा है और राजा जो चाहे कर दे, लेकिन शनि न्याय और नियत का स्थान है, वो अन्याय और वास्तव है, लेकिन गुरु जो ज्ञान है वहाँ अन्याय और अनिति नहीं चलती, तो शनि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल बृहस्पति के घर। इसका समाज में और खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री में और राजनीति में बहुत बड़े व्यापक असर पड़ते हैं। ये जो घटनाएं आजकल हो रही है ये उसका पूर्वाभास है, जो शनि राशि बदलने से पहले अपना असर करता है। ये जो फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक है ये उसका एक छोटा रूप है जिसका परिणाम अच्छा नहीं। दूसरा ये है कि जब भी बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन होता है तो अच्छे लोगों का महत्व बढ़ जाता है, जैन लोगों का महत्व बढ़ जाता है, और उन लोगों का महत्व निश्चित तौर पर बढ़ जाता है जो बहुत समय से अच्छे प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन समय साथ नहीं दे रहा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में जैन लोगों को निश्चित तौर पर स्थान मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे गलत लोग जो यहाँ पे छाए हुए हैं वो थोड़े दिन में नहीं रहे। शनि यहाँ 2.5 ईयर के लिए, ड्यूरिंग दिस 2.5 ईयर टाइम बहुत सारे सिंहासन खाली हो जाएंगे और बहुत सारे नए लोग आएंगे। तो ये डीमोनेटाइजेशन का मूव है, ये बॉलीवुड के अलावा और कौन सी इंडस्ट्रीज में प्रोग्रेस हो सकता है? देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी शनि का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में हो तो ये बॉसेस का भला करता है, बॉसेस का भला करता है, क्योंकि बॉसेस का स्टार सूरज है, बॉसेस का स्टार शनि है, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इसके कारण से बहुत बड़े जन समुदाय का भला होना निश्चित तौर पर तय है। मोदी जी पर आपका ध्यान केंद्रित हुआ है, उनका क्या देश के? जी मोदी जी को मैं तब से जानता हूँ जब वो राजनीतिक संघर्ष और प्रचारक थे। 2013 में मैंने ट्विटर हैंडल पे लिखा था कि मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब कोई नामो निशान में नहीं था उनका। 17 सितंबर 2013 में उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद मैंने ये फोरकास्ट किया था कि मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड एनडीए विल विन 330+, यूपीए विल 272+, तो ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे ट्विटर हैंडल पे आपको ही कहना। एंड जब इन्होंने शपथ ली थी उस समय में मैंने मुहिम छेड़ी थी जो पूरी नहीं हो पाई, बिकॉज जिस समय इन्होंने शपथ ली उस समय में जो बीजेपी के बहुत अच्छे जो आज पावरफुल लोग हैं जो मिनिस्ट्री में, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मोदी जी का शपथ टाइम 6:18 के बाद होना चाहिए, बिकॉज 6:18 एक योग था जिसमें उनको यश अपयश प्रचंड मात्रा में मिलता है। अपयश वाला मामला ज्यादा चलेगा, यश वाला मामला डिफ्यूज रहेगा, वो नहीं मान पाए। उन्होंने सुनने में आया कि 11 मिनट डिले भी किया लेकिन वो हो नहीं पाया, 6:11 को उन्होंने शपथ ली। अगर वही शपथ 6:18 होती तो आज इतने अच्छे काम करने के बावजूद जो देश के लिए आई थिंक इससे बेहतर प्रधानमंत्री कभी नहीं, लेकिन वो यश नहीं मिल पा रहा और उनकी अच्छी बात के लिए भी उनको घेराबंदी हो, तो 6:18 के बाद अगर ये सफल होती तो ये इतना कंट्रोवर्शियल मामला नहीं, ये भी आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा।
ऊपर और क्या कहेंगे आप बॉलीवुड के लिए? बॉलीवुड के बारे में एक चीज कही जा सकती है कि आने वाले टाइम में हीरो निर्देशक निर्माता जो भी है वो आपकी कहानी होगी। अगर कहानी अच्छी है तो आपकी फिल्म हिट है। आपके पास कितने बड़े सुपरस्टार हैं, कितने बड़े डायरेक्टर हैं, कितने बड़े प्रोड्यूसर हैं, डजन में यानी डिफरेंस, आपकी कहानी आपका हीरो होगा। ये आने वाला है और इस समय में आप देखेंगे बड़ी बड़ी पतंग लूटने वाले नहीं मिलेंगे। जितने भी ये सुपरस्टार्स हैं जो FTPs लेते हैं ये 50 करोड़ 70 करोड़, तो वो क्या ऐसा लगता है आपको कि 5 से 10 करोड़ के अंदर ही पिक्चर बने? एक्चुअली उन सब की उल्टी गिनती 9 नवंबर को शुरू हो गई है और 2.5 ईयर के अंदर आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में एक लंबे टाइम के लिए एक अच्छा युग आ गया। Any more question? Thank you very much. Thank you everybody. One plus, good luck. अब जिसको वन बाय वन करना हो प्लीज कर सकते हो। आप हमेशा से एक चीज़ को मानता रहा हूँ एंड विशेष तौर से मोदी जी की जन्मपत्री पर मैंने गहन अध्ययन किया है। मोदी जी में 3 लोगों का कॉम्बिनेशन है उनकी हॉरोस्कोप में, उनमें विवेकानंद है, उसमें वल्लभ भाई पटेल है, उसमें सुभाष चंद्र बोस है और इंटेंशनली वो गांधीवादी है। जिस व्यक्ति में इतने गुण हो वो देश के लिए गलत निर्णय नहीं ले सकता है और थोड़े समय में लोगों को ये पता चलेगा कि कितनी बड़ी गहन अध्ययन के बाद, कितनी प्लानिंग के बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया, क्योंकि देश इस समय एक संक्रमण काल से गुजर रहा है और ये अद्वितीय गृह स्थिति है। इस अद्वितीय गृह स्थिति के कारण हम लोग आने वाले 15 साल में विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं, तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत सकारात्मक एक पल है जिसको देशवासियों को एप्रिशिएट करना चाहिए और ये जो भ्रम फैलाने वाली बातें इसे बचना चाहिए। विपक्ष लामबट हो रहा है तो क्या आपके ज्योतिषी की नज़र में आने वाले दिनों में क्या हावी होगा सरकार पर मुद्दे को लेकर? मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी की जितनी बुराई की जाएगी वो उतने ही बड़े पैमाने से, उतने ही बड़े तरीके से और सक्षम रूप से उभर के आएंगे। तो इनकी लामबंदी से देश की जनता पर या मोदी जी के सितारों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात बॉलीवुड की आती है, यहाँ पे जो छोटे प्रोड्यूसर निर्माता हैं काले धन की वजह से वो बड़ी फिल्में या बड़े स्टार को नहीं ले पाते, तो आने वाले दिनों में क्या इस पे प्रभाव पड़ेगा? निसंदेह जैसा कि अभी एक बंधु ने प्रश्न किया था कि 9 तारीख से वो जो बड़े बड़े कार्यक्रम थे, जो बड़ी बड़ी बातें थी, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जो छद्मवेशी लोग हैं और जिससे सकारात्मक और क्रियात्मक लोग जो हैं, जो वाकई अच्छी फिल्में बना सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनने का टाइम आ गया। और 2.5 ईयर में आप देखेंगे कि बहुत सारे नए लोग, बहुत सारे नए कलाकार, बहुत सारे नए निर्माता निर्देशक आपके सामने होंगे। जो ये कॉर्पोरेट फिल्म इंडस्ट्री की फंडिंग थी इंडस्ट्री में, तो वो ख़त्म हो रहा है ऑलमोस्ट एंड वापस सिंगल प्रोड्यूसर्स का दौर शायद वापस आने वाला है। सो इज़ इट अ गुड टाइम अहेड फॉर सिंगल प्रोड्यूसर्स जो थे जो आगे काम करना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज ये वो दौर आ रहा है जब शनि और बृहस्पति दोनों एक साथ हों, तो वो लोग जो वाकई जिनमें कला है, जिनमें प्रतिभा है, जिनमें नई विचार है, नए सोच हैं,
उन लोगों को एक धरातल मिलेगा और उन लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और देश की जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। भरत जी, आपके सारे भविष्यवाणी आपके कथन के अनुसार सत्य हुई है। अगर आप बॉम्बे छोड़ के दिल्ली या वर्ल्ड के किसी भी कोने में गए हैं और जिनके भविष्यवाणी सत्य हुई है, उन्होंने आपको फॉलो क्यों नहीं किया? आई थिंक बहुत सारे लोग हमेशा संपर्क में रहे हैं, क्योंकि आज हम 21वीं शताब्दी में हैं और 21वीं शताब्दी में संपर्क के इतने अच्छे साधन हैं। तो मेरी वेबसाइट पे जो bharatupmanyu.com है और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक साइट है एस्ट्रो स्पीक, जिस पे मैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स में हूँ, तो उसके माध्यम से सब लोग संपर्क में हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग संपर्क में नहीं रहे हैं। अगर आप भविष्य के प्रवक्ता रहे तो आपने पिछले 20 सालों में ऐसी कोई भविष्यवाणी बॉलीवुड के लिए क्यों नहीं की? आज जो कॉर्पोरेट का दौर आया, इसकी भविष्यवाणी आपने 10 साल पहले क्यों नहीं की थी? आई थिंक यहाँ पे रतन जी होंगे, वो जरूर बताएंगे आपको। उनको मैंने वार्न किया था कि एक बड़ा ही अंधा युग आने वाला इंडस्ट्री में और जहाँ पर काबिल लोगों की पूछ नष्ट हो जाएगी। जैसे आपने अभी कहा कि आपने सुदर्शन जी को कहा था, तो आपने एक सर्कुलेशन निकाल के इंटायर इंफ्रा प्रोड्यूसर एसोसिएशन को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? एक्स वाई जेड एक पर्सन को ही क्यों किया, उसको ही क्यों विटनेस रख रहे हो, ताकि वो आपके फेवर में आपकी दोस्ती निभाए? नहीं, ये आपकी सही बात है, लेकिन अब क्योंकि मैं बॉम्बे में हूँ, उस समय में मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण ज़्यादा रहा है, तो राजनीतिक जगत में जो भी हुआ है वो हमेशा मैं मीडिया के जरिए से भी, और क्योंकि मीडिया में मेरे अच्छे मित्र भी रहे, उनके जरिए से वो हमेशा सर्कुलेट होता रहा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में मैं सक्रिय नहीं था उस समय में, इसलिए ये शायद एक भूल हो सकती है, मैं आइंदा इसका ध्यान रखूंगा। अभी अभी एक सेकंड पहले आपने कहा कि मैं सक्रिय नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके बारे में एक बात प्रचलित है जिसकी भविष्यवाणी अन्य लोग करते हैं कि आप महान कंफ्यूज इंसानों के सरदार है। कभी आप एक्टिंग में घुसते हो, कभी भविष्यवाणी में घुसते हो, कभी फिल्म मेकिंग में घुसते हो। आपने अपना एक मुकाम के ऊपर एक पैर क्यों नहीं रखा, हर जगह क्यों पैर रखने की कोशिश की? जैसा कि मैंने अभी आपको कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हर एक जीवन का पूर्व निर्धारण ईश्वर करता है, प्रकृति करती है, और मेरे सामने, जैसे मैंने बताया कि मेरे सामने तीन ही फील्ड थे। एक मुझे परिवार से मिला, राजनीति। ज्योतिष को मैं ईश्वरीय देन मान सकता हूँ। फिल्में मैंने खुद चुनी और मैंने जैसे कि बताया कि मैं सभी विधाओं को मैंने अपना सम्मान देने की कोशिश की। मैंने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ अभिनेता ही बनूंगा या निर्माता या राइटर भी बनूंगा। जैसे हमारी सीरियल थी, उसमें भी मैं लिख भी रहा हूँ, अभिनय भी कर रहा हूँ और साथ साथ उसका निर्माण भी किया है। तो वो, और मेरे से पहले बहुत लोग ऐसा कर चुके हैं। आप बहुत लोगों के राह पे चल रहे हो या बहुत लोगों को अपनी राह पे चलाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि अगर ये मोदी जी ने 8 तारीख के बाद में टीम टुडे जो उन्होंने प्रोग्राम रखा है और आपके समझ में आया है कि भरत बाबू दुनिया को बेवकूफ बनाने का इससे बेहतर टाइम नहीं आएगा, आज सब कंफ्यूज है, चलो एक बार फिर से बेवकूफ बनाते हो, कि ऐसे आपकी ये योजना तो नहीं है कि जो बेचारे कंफ्यूज लोग हैं उसको पीछे एक बार से अपने फेवर में किया जाए? मैंने अभी निवेदन किया आपसे कि ये समय में शनि बृहस्पति के घर में जा रहा है, यहाँ पर चालाकी से कामयाब होने के रास्ते बंद हो गए हैं, तो आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ वो लोग चलेंगे जिनमें प्रतिभा है, जिनमें तपस्या है, जिनमें ज्ञान है। चालाकी से कामयाबी होने का या कामयाब होने का समय अब खत्म हो गया है। आपके हिसाब से आज की चालाकी ये लोग क्या कर रहे हैं, प्लीज मीडिया को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, दो तरह की चालाकियाँ होती हैं। एक स्पष्ट चालाकी होती है कि एक आदमी स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है, एक अस्पष्ट होती है, उसमें ये होता है कि आपके स्वार्थ को हम निहित करेंगे या हम उसको पूर्ण करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो आपको हमेशा से ये दिखा रहे हैं कि आपका इसमें फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा असल में उनका होता था। तो ये जो दोराहेपन और कई कई चेहरे वाले लोग जो हैं, उनको मदर नेचर, उनको ग्रह नक्षत्र, उनको निश्चित तौर पर परिणाम देंगे। आपके कथन अनुसार आपने जितनी भी भविष्यवाणी अभी तक की है वो सब पुरुषों के फेवर में है। अभी तक की कोई भी भविष्यवाणी आपने मीडिया के सामने या जनता के सामने किसी स्त्री के फेवर में क्यों नहीं की है? मैं 2 वर्ष पहले मैंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले टाइम में महिलाओं का वर्चस्व कायम होगा, और आज देखिए आप हर फील्ड में महिलाएँ वर्चस्व में कभी भी, एंड मैं तो हमेशा से एक चीज़ में मेरा विश्वास रहा है कि महिलाएं हर रूप में पूज्य हैं।
लास्ट क्वेश्चन, आप अपने फेवर में बेवकूफ लोगों को करने आए हैं या अपना ज्ञान लोगों में बांटने आए हैं? इस धरती पे ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि आप किसी को ज्ञान का इंजेक्शन दे सकें या किसी को मूर्खता से बुद्धिमान बनाने का इंजेक्शन दे सकें। हमेशा मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि जो भी व्यक्ति संपर्क में हो उनके बारे में अच्छा सोचा जाए, अच्छा बोला जाए और मौका मिले तो ज़रूर उनके लिए अच्छा किया जाए। स्टारों में और मीडिया में आप अपने आप को कहाँ ज़्यादा सुरक्षित पाते हो? एक तरफ पब्लिसिटी है, दूसरी तरफ पैसा है, पी फॉर पब्लिसिटी। आप अपने आप को किस पे में रख रहे हो आज? मैं तो कर्म में बिलीव करता हूँ। मेरे सामने जो करने के लिए होता है मैं उसमें अपना 100% देता हूँ।